नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके चैनल पे। और आज हम बात करेंगे डीएसएसबी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसके अंदर इंग्लिश की हम बात करते हैं, इंग्लिश पार्ट की, कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें और उसके लिए कौन सी किताब है जो सबसे ज्यादा अच्छी है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ किताबों के बारे में जो कि टीजीटी हो, पीजीटी हो या पीआरटी हो, तीनों के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल में आएगी। तो दोस्तों आप, मेरे पास तीन ऑप्शन है, आपको जो भी अच्छी लगे आप उसको कर सकते हैं। देखिए पहले ऑप्शन तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसकी अगर इसको चाहे तो आप खरीद भी सकते हैं, और अगर फ्री में चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं या फिर मेंटल स्टैटिस्टिक्स के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी वेबसाइट है जहां पे इसकी पीडीएफ फ्री में उपलब्ध है। तो देखिए पहली किताब जो है वो है पैरामाउंट कोचिंग सेंटर के द्वारा है, ये प्लिंथ टू पैरामाउंट करके किताब है। इसके अंदर चीजें जो है बहुत ही स्पष्ट इंग्लिश में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके समझाई हुई है। तो अगर आप हिंदी का अच्छा ज्ञान रखते हैं तो आप इस किताब को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसकी जो एक्सरसाइज है काफी शानदार है और इसमें से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और इसकी प्रिपरेशन सफिशियंट होती है एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर आप एंड में देखेंगे तो इडियम एंड फ्रेजेस मिल जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और भी बहुत कुछ है, और जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स है, हर एक की प्रिपरेशन के लिए आपको बेहतरीन और भरपूर एक्सरसाइज आपको इसके अंदर मिल जाती है, तो जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये किताब है प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये फ्री में उपलब्ध है, ये आप पेमेंट स्टेटिस्टिक्स के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी किताब है ये अरिहंत पब्लिकेशन की एसपी बख्शी की है, जो कि पीओ क्लर्क, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, होटल मैनेजमेंट, एमसीए, यूपीएससी, बीएड एग्जाम्स, इन सभी एग्जाम्स के लिए काफी खासकर है। और इस किताब के अंदर अगर मैं देखता हूं तो डिस्कशंस के साथ साथ इसके अंदर एक्सरसाइज भरपूर मात्रा में है और बहुत एकदम बढ़िया तरीके से दिए हुए हैं और सीक्वेंस में दिया हुआ है, जैसे फंक्शन ऑफ टेंसेस है, वॉइस के ऊपर एक्सरसाइज है, फिर उसके बाद नॉन फाइनाइट है, क्वेश्चन टैग्स है, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, स्पॉटिंग एरर्स, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सीक्वेंस सेंटेंसिंग, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, पंचुएशन, स्पेलिंग रूल्स, कॉन्ट्रैक्शन, आंसर्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आंसर सही दी हुई है। तो अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन इस किताब के साथ करना चाहते हैं तो भी ये कोई बुरी चॉइस नहीं होगी और बेहतरीन, लेकिन इसमें एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है। तो अगर आप इसकी 10% प्रिपरेशन भी कर लेते हैं, यानी कि हर एक चैप्टर का 10% एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, तो आप बहुत ही बेहतरीन मार्क्स डीएसएसबी में ले सकते हैं या फिर अदर कोई भी एग्जाम जो हो उसके अंदर आप ले सकते हैं, अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। तीसरी किताब है ये भी अरिहंत पब्लिकेशन की है, लेकिन ये एससी गुप्ता के द्वारा दी गई है। इस किताब की जो कीमत है वो 185 रुपए है, इस किताब की कीमत जो है वो है 285 रुपए, यानी कि 100 रुपए ही महंगी है, क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी है। और इन किताबों का वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दी हुई है आप उससे उसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। इस किताब की खास बात यह है कि 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज दिए हुए क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्पॉटिंग एरर्स है, फ्रेज सब्स्टिट्यूशन है, ऑर्डरिंग सीक्वेंसेस है, क्लोज टेस्ट, डबल ब्लैंक टेस्ट, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, होमोफोन, फ्रेजल वर्ब्स, यानी कि बेसिकली एग्जाम को फोकस करते हुए इतना चीजें दी हुई हैं। तो आप डायरेक्ट एग्जाम प्रिपरेशन पे करना चाहिए, यानी कि आप कुछ पढ़ना नहीं चाहते सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए बेस्ट होगी, क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश से रिलेटेड इतने क्वेश्चन हैं कि इसके बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ के प्रैक्टिस करना है बहुत ज्यादा, तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव इंग्लिश वाली किताब अच्छी है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं बहुत ज्यादा और उसके बाद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए किताब बेस्ट होगी प्लिंथ टू पैरामाउंट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इस बुक्स को खरीदने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में डालें, कोई सजेशन कमेंट बॉक्स में डालें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे मिलता है हमको बहुत ही अच्छा मोटिवेशन और नई नई वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंस। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।